मैं सुनील ग्रोवर हूँ हाँ। और मैं बड़ा पूरा मर्द हूँ, पर हाँ लोग जानते हैं, पर कई लोग मेरे को साड़ी में जानते हैं, कई सूटों में जानते हैं, अलग अलग तरीके से। तो अच्छा किया आपने बता दिया। जब तक पीछे चला आ जाओ, तो एक दिन से फ्लाइट में बैठा हुआ एक आदमी निकले बाथरूम से, कहा अरे कुछ सुनाइए। और मैं नहीं था, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। आपने कहीं से इंटरनेट पे पढ़ा है, मैं मानता हूँ। आपके साथ बात करने के बाद ठीक है, चलो ओके है ना। Hi everyone, this is Lalima Sharma and you guys are watching Ken Punjab and I am with Sunil Grover right now. Well, we know him, everyone knows him. मेरे को कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, I guess. Hi Sunil. सारी इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने कहा कि मेरे को कोई जरूरत नहीं है, है ना? मेरे को कोई जरूरत नहीं है, because इनका चेहरा ही चाहिए and then everyone knows. पर हाँ लोग जानते हैं, पर कई लोग मेरे को साड़ी में जानते हैं, कई सूटों में जानते हैं, अलग अलग तरीके से। तो अच्छा किया आपने बता दिया। हाँ ना? मैं सुनील ग्रोवर हूँ। हाँ। और मैं बड़ा पूरा मर्द हूँ। या सो सुनील, आई वाज रीडिंग अबाउट यू एंड देन आई गॉट टू नो कि आपने फर्स्ट जो कैमरा फेस किया था, जसपाल भट्टी जी ने आपको करवाया था विद फुल टेंशन शो, राइट? हाँ जी, या करेक्ट। सो नाउ आफ्टर फुल टेंशन, जब आपने फर्स्ट कैमरा फेस किया एंड नाउ रिसेंटली इन यूनाइटेड कच्चे, देन जवान यू आर डूइंग, देन सो मेनी वेब सीरीज एंड फिल्म्स यू आर डूइंग, सो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे बताओ कि कैसा था जब आपके सामने कैमरा था एंड यू वर फेसिंग इट। मैं था और एक ग्रुप सीक्वेंस थी और हम लोग खड़े हुए थे, तो मुझे एक डायलॉग बोलना था और मेरे को नर्वसनेस भी हो रही थी, घबराहट भी हो रही थी कि बोल जाऊँगा। और एक बार में मैंने बोल दिया तो सबको लगा ठीक है, काम हो गया। पर मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इतने एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स के सामने, और जसपाल जी थे वहाँ पे उनके सामने, उनके साथ, तो ऑफकोर्स सेंस ऑफ अचीवमेंट भी थी। और उनके साथ मैं शुरू शुरू में बहुत छोटे छोटे रोल करता था। तो एक बार न्यू ईयर का प्रोग्राम था, उनके साथ हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग घर पर बैठे हुए थे, तो सारी फैमिली को बिठाया हुआ था, तो मेरे मामा जी के घर पे हम लोग न्यू ईयर बना रहे थे, तो वहाँ टीवी लगा लिया। तो सब उन दिनों में सिर्फ टीवी लगा के हम लोग इन्जॉय करते थे न्यू ईयर। तो सब लोग बैठे हुए, सर्दियाँ होती हैं यहाँ पे तो नॉर्थ में, तो बहुत ठंड का माहौल था और सब लोग बैठे हुए हैं। तो एक घंटा होगा, डेढ़ घंटा होगा न्यू ईयर के प्रोग्राम में, सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब आएगा साडा, मतलब मैं आऊँगा। और सब लोग बैठे हैं, अभी तक आए नहीं मेरी एंट्री, मैं भी बैठा हूँ। तो मामी जी उठे, कहते मैं एक मिनट रसोई पानी पी के आई। तो पानी पीने के लिए गए वो, और जब तक पीछे चला आ जाओ, जब तक वो भाग के बेचारे पानी भी नहीं पिया, ग्लास रखा उन्होंने, वापस आए तब तक मेरी एंट्री निकल चुकी थी। तो मैं बोल रहा था डाकू आ गए, ऐसे कह के भागना था मुझे। तो ऐसे भी था, यू नो, वो टाइम था कि चलो एक पानी पीने गए और वो निकल गया। बट अब ये समय है कि पानी पीने, चाय पीने जाओ तब भी सुनील हमें टीवी पे ही दिखेंगे, राइट? सो यू नो, अभी आप हमें इस यूनाइटेड कच्चे में नजर आने वाले हैं, इसमें आपने थोड़ा सा ये भी स्ट्रगल बताया हुआ है कि जब इंडियंस बाहर जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, तो कैसे स्ट्रगल फेस करते हैं जब उनका ये टूरिस्ट वीजा खत्म हो जाता है, फिर वो कच्चे हो जाते हैं। सो आपको कभी ये कोई स्टोरी पता लगी थी इसके बारे में, लाइक रियल स्टोरी? क्योंकि बहुत है, वैसे तो बहुत है, और मैंने कुछ उड़ती उड़ती इधर उधर से बातें सुनी है। पंजाबी हूँ और इस माहौल में पला बड़ा हूँ, मुझे पता है कि ऐसे लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं और बाहर जाने की कोशिश करते हैं और इलीगल तरीके से भी रहते हैं। तो इसी कई स्टोरी सुनी थी मैंने, और ये शो करते हुए जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसके बारे में मुझे और भी ज़्यादा पता चला। पर ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनका एम्बिशन है बाहर जाना। हाँ जी। सो अगर मैं अभी यहाँ पे बात करूँ कि ना, आपने हर तरह के रोल किए हैं, चाहे वो तांडव में आपने एक हैवी रोल किया हो, चाहे आपने एज गुत्थी परफॉर्म किया हो, मशहूर बुलटे परफॉर्म किया हो, तो आपने ना ये हमेशा मेंटेन रखा है कि आपको कोई टाइप कास्ट ना कर सके। सो ये मेंटेन कैसे किया आपने? क्योंकि बहुत मुश्किल है कि एक जब टाइप कास्ट ही कर देते ना, अच्छा ये तो गुत्थी में अच्छा लगते हैं, हम यही रोल देंगे इनको। सो वो आपने कैसे टाइप कास्ट को तोड़ के रखा अपने करियर में? एक तो मैं समझता हूँ, अब मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि इस तरह के रोल्स मेरे को ऑफ़र भी हुए और हो भी रहे हैं,
कि जिसमें अलग अलग तरीके से मैं परफॉर्म कर सकूँ और अलग अलग किरदार निभा सकूँ और मुझे अच्छा भी लगता है. सो बट प्राइमरीली मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसे रोल्स ऑफर हुए. और साथ में आई थिंक मुझे नए नए एक्सपीरियंसेस का इसी फील्ड में नए नए किरदार निभाने का शौक है, तो वो भी वो मेरा चुनाव भी ऐसा हो जाता है जो एग्जिस्टिंग अगर कोई चॉइस है तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ करूँ जिसमें कुछ जुदा हो, अलग हो, जो मुझे करने में मजा आए और लोगों को देखने में आए. हमने आपको पंजाबी फिल्म विसाखी लिस्ट में देखा था इन 2016. आफ्टर दैट एक्चुअली यू नो वी वांटेड टू सी यू इन पंजाबी मूवीज आल्सो. सो क्यों नहीं कर रहे हो आप और कब करोगे? बहुत जल्दी पंजाबी मूवी कभी प्लान करूंगा. मेरा बड़ा टाइम से मन था कि करते हैं, लेकिन मैं इन दिनों और दूसरे प्रोजेक्ट्स में था, वहाँ पर उलझा हुआ, और फिर अब जल्दी प्लान बनाएगा. आफ्टर विसाखी लिस्ट क्या आपको मतलब पंजाबी यहाँ से ऑफर्स मिले थे? हाँ जी, ऑफर आए हैं, बट मैंने दूसरी व्यस्तताओं की वजह से नहीं कर पाया, पर मैं करूंगा. हाँ जी. ओके. सो एक ना जब सुनील ग्रोवर का नाम आता है, जब वो हमारे सामने भी आ जाते हैं, तो एक तरह से लोगों को हो जाता है अच्छा सुनील आए हैं, सो नाउ ही विल एंटरटेन अस, ही विल क्रैक अ जोक नाउ. सो आपके ऊपर नहीं आ जाता भाई, मैं एक इंसान हुआ, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि मैं अब भी क्रैक कर दूं जोक? मेरे को अच्छा भी लगता है कोई आता है तो बोलता है, और क्यों ना एक्सपेक्ट करें. अगर मैं भी उनकी जगह हूँ तो मैं भी यही बोलूंगा. अच्छा. तो हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता है, या आप पोजीशन नहीं होती, माहौल ऐसा होता है कि आप नहीं सुना सकते. तो एक दिन से फ्लाइट में बैठा हूँ, एक आदमी निकले बाथरूम से, कहा अरे कुछ सुनाइए. अगर मैं उनकी बात मान लूँ तो वहाँ फ्लाइट में खड़े होके मैं इतने लोगों के सामने कुछ सुना रहा हूँ उनको, तो वो पॉसिबल मुश्किल ही है ना. तो कई सकम चांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग थोड़ा सा प्यार आपसे प्यार करते हैं, तो उसको पता नहीं चलता कि किस तरह से उसे कहना है. वो भी मैं समझता हूँ, बट मुझे पता है ये प्यार का ही फॉर्म है अगर वो कहते हैं तो. जी, तो मैं यहाँ पे ना मेंटल हेल्थ के बारे में भी थोड़ी बात करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने आपको सुना कि जैसे आपने कहा ना कि आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होते हैं. एक्चुअल ये बात है कि आर्टिस्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और छोटी सी बात भी कभी बहुत बुरी लग जाती है, राइट? सो आप अपने मेंटल हेल्थ को कैसे स्टेबल रखते हो जब आपकी लाइफ में बहुत लो फेसेस आते हैं? फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर आपकी फिजिकल हेल्थ पे जो भी बात आई, एंड देन यू हैव टोल्ड कि कैसे आपको रिप्लेस कर दिया गया था, कोई रिजेक्शन भी हुई होगी, सो इन सारे लो फेसेस में आपने हमेशा खुद की मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन किया? क्योंकि आज के डेट में आई एम सीइंग कि लोग हार मान जाते हैं. कहना बड़ा आसान है, जब आप पे बीतती है चीजें बड़ी मुश्किल होती है, बड़ा कठिन होता है, और सबके लिए कठिन होता है, मेरे लिए भी कठिन रहा है, और हो सकता है कि मेरी कैपेबिलिटी बहुत सारे लोगों से कमी हो उन चीज़ों को हैंडल करने की. लेकिन एक चीज़ है, जब आप कोई किसी चीज़ को करने में आपको बड़ा मज़ा आता है, किसी चीज़ को इन्जॉय करते हैं आप, और आपको लगता है कि यार मेरे को ये अगर मैं करता रहूँ तो, मतलब पैशनेट हैं आप किसी चीज़ के बारे में, तो अब फिर अपने आप डिसीजन लेते रहते हैं, आप वापस आ जाते हो. तो मेरे साथ तो यही हुआ कि मुझे जो काम करता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो कोई भी मुश्किल आती है, कहीं से रिप्लेस हो गया, कोई हेल्थ केयर हो गया था, या कुछ भी चीज़ है, तो ऐसा लगता है कि यार कोई बात नहीं, ये निकल जाएगा. मैं काम पे लगता हूँ, ये करता हूँ, ये करते हैं. तो मेरा तो वो शायद एक ज़रिया रहा है उससे बाहर निकलने का. जैसे शो से जब रिप्लेस हुआ तो मुझे लग रहा था कि यार एक महीना, पर अंदर से एक शब्द निकला ढीठ, कि मतलब ढीट ही है. तो पर वो काम अच्छा ही इतना लगता है, कोई माने या ना माने, कि ये उसको आता है कि नहीं आता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अच्छा लगता है कोई बात नहीं, सीख जाएंगे टाइम से. पर कई सालों बाद ऐसा भी रियलाइज़ हुआ कि शायद जिसने आपको रिजेक्ट किया, हो सकता है, मतलब पक्का नहीं है कि हो सकता है ऐसा कि वो भी गलत हो. उस टाइम आप ओवरथिंक करते हो इन मोमेंट्स पे? दिमाग तो चलता ही है. आपको सेल्फ डाउट आ जाता ना. अच्छा, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी करने लग जाते होगे ना. सेल्फ डाउट आ जाता है कि आपको लगता है कि यार मैं, मेरे बस का है, मैं कर सकता हूँ, शायद ये लोग ठीक तो नहीं कह रहे रिप्लेस किया जो. या और भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं आप, पर आपका काम लोगों का रिएक्शन नहीं है, आपका काम है अपना काम अच्छे से करना. और अगर आपका काम अच्छे से करते रहोगे तो रिएक्शन आ ही जाएगा पॉजिटिव. So last question I'm going to ask you, like, how do you remember Jaspal Patti?
पट्टी साहब ऑफ कोर्स मैंने उनके साथ ही शुरू किया है, बहुत कुछ सीखा है उनसे, और मैं इनफैक्ट ह्यूमर को कैसे फॉर्मली कहा जाता है, बोला जाता है, एक सेंटेंस की क्या फॉर्मेशन है, कहाँ वजन है, और वो हर चीज़ में ह्यूमर देखते थे, हर चीज़ से ह्यूमर निकाल लेते थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो एक चीज़ है, बट सेंस ऑफ डिराइविंग ह्यूमर फ्रॉम थिंग्स, वो भी एक गजब टैलेंट था उनके अंदर। और सटायर, हर चीज़ में कुछ ना कुछ मीनिंग और बात को किस तरह से घुमा के कहना है, वो मास्टर थे उसमें। या, तो आपने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा ये जी? ऑफ कोर्स मेरे तो मैं जी स्किल्स वगैरह उनसे उसकी वहाँ स्किल्स वगैरह, मतलब कि कैसे ह्यूमर फॉर्मली, मतलब हर चीज़ में कैसे सीखने की कोशिश की है, पर ऐसा बहुत जितना उनका चीज़ों को टेक था वो तो किसी की और के इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। या, सो थैंक यू सो मच सुनील, एंड आफ्टर आई गेस यूनाइटेड कल्चर हम आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी देखने वाले हैं, राइट? एंड आई एम मोर एक्साइटेड फॉर जवान एक्चुअली, बिकॉज आई हैव दैट योर छोटा सा चंक वॉज इन मैं हूं ना के बाद, एंड नाउ मैं हूं ना भी नहीं थे आप, तो यू वर इन दैट इमोशनल टच, राइट? वो भी नहीं था, नहीं वो दैट इमोशनल टच तेरा इमोशनल टच, नहीं वो भी नहीं था। नो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ जो आपने परफॉर्म किया था, मैं नहीं था वो, डोंट टेल मी, वो मैं नहीं था, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? आपने कहीं से इंटरनेट पे पढ़ा है, मैं मानता हूं इंटरनेट में नहीं पढ़ा, मैंने गाना ही सुना है, देखा, पर आप उसमें ध्यान से देखो, अब आप फिर से पर्सनली हम लोग मिले हैं ना, अब ध्यान से देखना उसमें, तो आपको समझ में आएगा मैं नहीं। तो आप वो थोड़े वो थे ना, 2006-2007 था, अरे आप हो मैं हूं ना में, मेरे को वो कर रहे हैं ये। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ आपको? आप ये कर रहे हो कि आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो कि नहीं, मैं इसको इस डाउट में डालूंगा कि हाँ यू आर राइट एंड आई एम रॉन्ग, आप मुझे सेल्फ डाउट करवा रहे हो। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, वो देखो वहाँ से ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना बार बार, थैंक यू सो मच, एंड वी हैड अ कॉन्वर्सेशन विद सुनील ग्रोवर, एंड यू गाइस कीप वॉचिंग कैंट पंजाब, और मैं हूँ ना में मैं नहीं हूँ ना, ही इज इन मैं हूँ ना, आई विल अपलोड, आई एम इन यूनाइटेड कच्चे Z5 पे आ रहा है, बट आई एम नॉट इन मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं नहीं हूँ, मुझ पे इमोशनल अत्याचार कर रही है, मैं उसमें भी नहीं हूँ। अपलोड द स्क्रीनशॉट आल्सो। ओके, बाय।